नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए जहां लॉकडाउन में एंटरटेनमेंट का एकमात्र विकल्प आईपीएल बना हुआ था, अब आईपीएल को रद्द किया जा रहा है। जी हां, आज बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने इस आईपीएल सीजन को सस्पेंड करने की बात की है। आपको बता दें, इससे पहले केकेआर के दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरी खबर। तो जैसा कि कोरोना देश भर में लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और लाखों लोग रोज कोरोना के चपेट में आ रहे हैं और इससे अछूता अब आईपीएल भी नहीं रहा। आईपीएल में भी कल ये खबर आई थी और केकेआर के दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और ये दो खिलाड़ी थे वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर। इनके बाद सीएसके की टीम से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही थी और यहां तक कि सनराइजर्स और अन्य टीमों से ही ऐसी खबरें आ रही थी। इसके बाद चेन्नई वर्सेज आरआर के मैच को रीशेड्यूल भी किया गया था, यानी कि स्थगित किया गया था और इससे पहले जो केकेआर और आरसीबी का कल मैच होना था उसे भी रीशेड्यूल किया गया था और लगातार बीसीसीआई ये कहती हुई नजर आ रही थी कि पूरी तरीके से खिलाड़ी सेफ है और बायो बबल में उन्हें कोरोना नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा आज एएनआई को यह कहा गया है कि आईपीएल के इस सीजन को सस्पेंड किया जाता है। आपको बता दें, आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए 6 आयोजन स्थल हैं: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। ये सारे के सारे महानगर कोरोना की भयंकर चपेट में है और ऐसे में खिलाड़ियों का वहां जाना, हालांकि बीसीसीआई लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हमारे खिलाड़ी बायो बबल के अंदर सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी जैसा कि केकेआर के दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए, सीएसके टीम मैनेजमेंट के भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, ऐसे में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस साल का जो ये सीजन है इसे सस्पेंड किया जाता है। जैसे ही आईपीएल के सीजन को लेकर या फिर आईपीएल को लेकर कोई भी बड़ी खबर आती है तो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।